हाय एवरीवन, वेलकम टू सिंसियर ब्रेन डी। आप सभी का हॉर्टिकल्चर एमसीक्यू सीरीज के 16th पार्ट में स्वागत है। ये जो हॉर्टिकल्चर एमसीक्यू सीरीज है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर, स्पेशली जो ICAR का JRF का एग्जाम होगा अभी हॉर्टिकल्चर में, ICAR SRF का एग्जाम होगा हॉर्टिकल्चर में, तो उसके लिए तो ये सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और साथ में जो IBPS एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर का एग्जाम होता है, तो वहाँ पे भी हॉर्टिकल्चर के क्वेश्चन आते हैं, तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ में जो आपके दूसरे स्टेट में जो हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर का एग्जाम होता है, या असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ हॉर्टिकल्चर ADO के एग्जाम होते हैं, या दूसरे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, IFCO का है, NABARD का है, FCI का है, तो उनके लिए भी ये सीरीज इक्वली इंपॉर्टेंट है। सो स्टे ट्यून विद सिंसियर ब्रेन डी। आज की डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच केमिकल इज यूज फॉर डीग्रीनिंग ऑफ फ्रूट्स। फ्रूट्स की डीग्रीनिंग के लिए कौन सा केमिकल यूज किया जाता है, IBA, इथाइलिन, साइटोकाइनिन या जिबरेलिनेस। इसका राइट आंसर है आपका बी, इथाइलिन। इंडियन हॉर्टिकल्चर इज द पब्लिकेशन ऑफ, जो इंडियन हॉर्टिकल्चर मैगजीन है, तो ये किसकी पब्लिकेशन है, IARI की, IIHR की, ISHS की या ICAR की। जो इंडियन हॉर्टिकल्चर है, दिस इज द पब्लिकेशन ऑफ ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। नेक्स्ट इज डैश इज द मोस्ट अबंडेंट एंड द बेसिक ऑक्सिन। इनमें से कौन सा जो है मोस्ट अबंडेंट एंड बेसिक ऑक्सिन है। इसका राइट आंसर है आपका बी, इंडोल 3-एस्टिक एसिड, यानी कि IAA। इंडिया इज ए लैंड ऑफ, इंडिया इज नोन एज द लैंड ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट, स्पाइसिस एंड फ्लेवर्स और फ्लावर्स। तो इंडिया जो है, इंडिया इज ए लैंड ऑफ स्पाइसिस एंड फ्लेवर्स, राइट। नेक्स्ट इज प्रोट्रे आर रिलेटेड टू, प्रोट्रे जो टर्म है दैट इज रिलेटेड टू, प्रोट्रेज होती है, दे आर मेनली यूज फॉर योर नर्सरी रेजिंग, तो प्रोट्रेज आर रिलेटेड टू नर्सरी। विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज यूज फॉर पॉलीप्लोइडी ब्रीडिंग। इनमें से कौन सा केमिकल है जो पॉलीप्लोइडी ब्रीडिंग में यूज किया जाता है। इसका राइट आंसर है आपका डी, कोल्चिसिन। नेक्स्ट इज आइसोलेशन रेजिस्टेंस फॉर द सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन इन टोमेटोज। टोमेटो में सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन के लिए आइसोलेशन रेजिस्टेंस कितना रखते हैं। टोमेटो जो सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है, तो इसमें जो फाउंडेशन के लिए होता है 50 मीटर और सर्टिफाइड के लिए होता है आपका 25 मीटर। तो राइट आंसर इज सी, क्वीन ऑफ फ्रूट्स। इस कौन सा फ्रूट है जिसको हम क्वीन ऑफ फ्रूट्स कहते हैं। इसका राइट आंसर है आपका सी, मैंगोस्टीन। नेक्स्ट इज किंग ऑफ टेम्परेट फ्रूट्स। इस टेम्परेट फ्रूट का किंग किस फ्रूट को कहा जाता है, तो किंग ऑफ टेम्परेट फ्रूट्स इज एप्पल। किंग ऑफ नट्स इज, किंग ऑफ नट किसे कहा जाता है, इसका राइट आंसर आपका बी, वॉलनट को। नेक्स्ट इज किंग ऑफ एरिड फ्रूट्स। एरिड फ्रूट में किंग किसे कहा जाता है, तो किंग ऑफ एरिड फ्रूट्स इज बेर। द फ्रूट ऑफ 21st सेंचुरी, विच फ्रूट इज रेफर्ड एज फ्रूट ऑफ 21st सेंचुरी। इसका राइट आंसर है आपका सी, आंवला। नेक्स्ट इज पूसा मेजेस्टिक इज ए वैरायटी ऑफ, दिस इज अ वैरायटी ऑफ पपाया। पॉलिनेशन इज मैंगो इज डन बाय, मैंगो में जो पॉलिनेशन होती है वो किसके द्वारा होती है। इसका राइट आंसर है आपका, तो मेन एजेंट जो है पॉलिनेशन का मैंगो में, दैट इज योर हाउस फ्लाई। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट इज एडिबल पार्ट ऑफ लीचीज, लीची का जो एडिबल पार्ट होता है उसे क्या कहते हैं। एडिबल पार्ट ऑफ लीचीज फ्लैशी एरिल। नेक्स्ट इज बेस्कोन सेलैया कोलीफ्लोरा सोर्स ऑफ रेजिस्टेंस फॉर, यह हम कस, तो ये जो स्पीसीज है राइट, वी कॉलीफ्लोरा, दिस इज द सोर्स ऑफ रेजिस्टेंस फॉर, एक्चुअली पपाया की वाइल्ड स्पीसीज है, तो दिस इज द सोर्स ऑफ रेजिस्टेंस फॉर योर पपाया रिंग स्पॉट वायरस। नेक्स्ट इज पॉली एम्ब्रोनिक फ्रूट क्रॉप इज, इनमें से कौन सी फ्रूट क्रॉप जो है विच इज पॉली एम्ब्रोनिक इन नेचर, मैंगो, सिट्रस, जामुन या ऑल ऑफ अब, तो ये सभी जो है पॉली एम्ब्रोनिक के नेचर में। तो राइट आंसर इज योर डी, ऑल ऑफ अब। ए डे लिली और डे लिली इज ए फ्लावरिंग प्लांट इन द जीनस, जो डे लिली है एक फ्लावरिंग प्लांट है, तो कौन से जीनस को बिलोंग करता है, हेलियंथस को, हेमेरोकैलिस को, रोजा को, डाइएंथस को। इसका राइट आंसर है आपका बी, हेमेरोकैलिस को। नेक्स्ट इज अर्का भाइट इज ए वैरायटी ऑफ, अर्का भाइट जो किसकी वैरायटी है, अर्का भाइट जो है वो जरबरा की वैरायटी है। अर्का हलासुरस इज ए प्रोडक्ट ऑफ, जो अर्का हलासुरस जो है वो किसका प्रोडक्ट है, जैकफ्रूट का, जामुन का, मैंगो, किनुआ का। तो अर्का हलासुरस जो है दैट इज अ बेवरेज है जो कि बनाई गई है किसके द्वारा, जैक फ्रूट से, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। स्टे ट्यून्ड विद सिंसियर ब्रेन डी। आप हमें टेलीग्राम चैनल पे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहां पे हम डिफरेंट डिफरेंट अदर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन या कोई PDF फाइल्स हम वो डालते रहते हैं।
और साथ में जो आपके इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं सौरभ सिंह के नाम से, या agrihot_gk_iri के नाम से, राइट। सो स्टे ट्यून्ड विद सिंसियर ब्रेनरी। जय हिंद, थैंक यू।